नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पीजीआई चंडीगढ़ से, और मेरा अपना सेंटर है एवन किडनी एंड स्टोन सेंटर नवांशहर पंजाब में। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट यानी कि दूध। ये महीना यानी कि नवंबर मनाया जाता है प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इस महीने में हम प्रोस्टेट और उससे होने वाले कैंसर यानी कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। सबसे बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक अखरोट के शेप की ऐसी ग्रंथि होती है जो कि हमारे मसाने यानी कि ब्लैडर के नीचे पाई जाती है, जिसका काम कुछ हद तक तो यूरिन को स्टोरेज में होता है, लेकिन मेन काम इसका हमारे स्पर्म को नॉरिश करना होता है। और इससे जो कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं वो हमारे स्पर्म का लगभग 20-25% तक का हिस्सा इसका होता है। मेन इसका काम होता है हमारे स्पर्म को नॉरिश करना। लेकिन आज हम कैंसर के लिए इसकी बात क्यों अहमियत बनती है। मेन इसका सबसे बड़ा रोल जो आता है 60 साल से बड़ी उम्र में, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है कैंसर करने में, मर्दों का सबसे ज़्यादा नंबर पे इसका कैंसर होता है। आप ये मानेंगे कि 100 में से लगभग 5 से 6 लोगों को ये कैंसर होता है। ये अलग बात है कि ये उनकी लाइफ टाइम में ये उनको पता लगे या ना लगे। इस कैंसर के होने से पहले के जो सिम्टम्स आते हैं वो बल्कि ना के बराबर होते हैं। मोस्टली जब मरीज इस कैंसर के सिम्टम के साथ आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्टेज में भी इस कैंसर की एक स्पेशलिटी है क्योंकि स्लो ग्रोइंग होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो उस केस में भी अच्छे इलाज संभव हैं। लेकिन अगर सिम्टम आने से पहले ही रूटीन इन्वेस्टिगेशन में लाइक अल्ट्रासाउंड, सीरम पीएसए या किसी डॉक्टर से अगर हम अपना डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कराएं, स्पेशली 50 से 60 साल होने के बाद, तो हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसी स्क्रीनिंग पॉलिसी वाइड रेंज में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि और हमें इसका पहले से पता लग सकता है। अब क्या फैक्टर रहते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर लोगों को होता है। बाय एंड लार्ज मेनली जेनेटिक कॉज होता है, स्पेशली फैमिली हिस्ट्री अगर जिन केसेज में है तो उनमें कैंसर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक सर्टेन एज स्पेशली 60-65 ईयर के बाद इसके ज़्यादा चांस होते हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्पेशली मोटे मोटे वो लोग जिनमें हमने देखा है कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के अंदर पाया जाता है, अक्सर वो मोटे लोग होते हैं, और स्मोकिंग से भी इसका जो लिंक है पाया गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर अवॉइड करें तो कुछ हद तक इसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले कहा, अगर इसके सिम्टम्स आ गए हैं, पेशाब में दिक्कत आती है, पेशाब में जलन है, खून आता है, स्पर्म में खून आ रहा है, और जिसके लिए आप बार बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं, ये सिम्टम्स सिंपल एक प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने की वजह से भी हो सकते हैं, और या फिर ये सिम्टम्स कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं। याद रहे, जब तक प्रोस्टेट कैंसर की वजह से सिम्टम आएंगे तब तक कैंसर एक आगे वाली स्टेज यानी कि तीसरी या चौथी स्टेज तक पहुंच चुका होगा। लेकिन तब भी अगर मरीज सचेत हो जाए और डॉक्टर के पास चला जाए तो बहुत सारी आज की डेट में ट्रीटमेंट, बहुत तरह के उपचार उपलब्ध हैं कि मरीज को बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन बढ़िया यही है कि हम इसके बारे में जागरूक रहें, स्पेशली हर वो मर्द जो कि 50-60 साल से ऊपर है, एटलीस्ट अपना रूटीन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पीएसए एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूर करवाएं, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर साल वो अपना पीएसए जरूर कराएं और एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से जाके मिले ताकि उसको समय रहते उपचार मिले। क्योंकि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इस कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में कर्व कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में हमें इसका पता लग जाता है, तो पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करके सर्जिकली हम बिल्कुल उसकी लाइफ को उसी तरीके से रख सकते हैं जैसे उसके लिए है। लेकिन अगर ये बहुत लेटर स्टेज में जाता है, हालांकि हमारे पास उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर फिर भी हमेशा सही रहता है कि अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पिक कर लें। तो मेरा बस आपको सबको यही कहना है इस बारे में कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें हर एक को जागरूक रहना चाहिए। जैसे ही कुछ सिम्टम आए तब तो एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, लेकिन जिनको सिम्टम्स नहीं भी हैं और वो भी अगर स्क्रीनिंग के लिए स्पेशली 50-55 साल के बाद में स्क्रीनिंग के लिए एटलीस्ट सीरम पीएसए वो अपना एक बार तो जरूर कराएं और अपने डॉक्टर से मिले। थैंक यू, धन्यवाद।